हेलो गाइस, दिस इज़ रेन फ्रॉम decrypt.com। और गाइस, आज के इस एपिसोड में आप सीखने वाले हैं कि वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड में कैसे डालें। यानी कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपकी जो साइट है थोड़ा सा डाउन हो चुकी है, और उसको हमें मेंटेनेंस मोड में कैसे क्या लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है और यहाँ पे मैंने टाइमर भी यानी काउंटडाउन भी लगाया हुआ है कि इतने समय के बाद जो हमारी वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ छोटा सा, ये ईमेल, यानी कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जैसे ही हमारी वेबसाइट लाइव होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है। फिर नीचे हम और काफ़ी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि सोशल आइकन्स हो गए, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर और कई कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन चलिए, ये सब कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है wp-admin/wp-admin करके हम लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट में। और यहाँ पे आपको आना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे आना है। देखिए, आपको सिंपल सा एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा जिसको आप wp मेंटेनेंस मोड टाइप करना है आपको यहाँ पे। और ये wp मेंटेनेंस मोड, ये फर्स्ट वाला ही आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि बाकी जो है वो पेड है। ये जो आपका है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी इसके चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी आपको बोलेगा कि प्रो वर्जन आप यूज़ करिए, तो आई थिंक कि आप प्रो वर्जन यू नहीं यूज़ कर पाएंगे, उसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हमें जब उसको इस मोड में ही दिखाना है तो हम उसको सिंपली एक कोई भी सस्ता सा प्लगइन इंस्टॉल कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमें इसको इस मोड में दिखाना है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यस, अभी हमारा जो प्लगइन वो इंस्टॉल हो चुका है और ये एक्टिवेट भी हो चुका है फिलहाल, ठीक है। तो अभी हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है, तो पहले मैं अपनी वेबसाइट को एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अभी ये वेबसाइट मेरी ऐसे ओपन हो रही है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी अभी जस्ट रिफ़्रेश अगर करता हूँ तो देखिएगा हमारी वेबसाइट जो है वो अभी इस तरीके से ओपन हो रही है, ठीक है। अभी इसको हमें मेंटेनेंस मोड पर डालना है, तो हमारा प्लगइन जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होगी, तो हम यहाँ पे आएंगे, सेटिंग्स पे आते हैं। और सेटिंग्स पे आने के बाद में गाइज, यहाँ पे आपको एक काम करना होगा। देखिए, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं, तो एक्टिवेटेड करेंगे तो हमारा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं जस्ट इसको एक्टिवेटेड करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और हमारी जो वेबसाइट है मेंटेनेंस मोड पे चली जाएगी, बट आफ्टर इसको सेव करने के बाद में। जब इसको सेव कर देंगे तो कुछ कॉमन सी सेटिंग्स होंगी, बाईपास फॉर सर्च बॉट, जो सर्च बॉट्स होते हैं उनको बाईपास करना है या फिर उसको रोकना है इस पर, तो अपने हिसाब से यस नो जो आपको बेस्ट लगे वो करना है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो रोबोट्स मेटा टैग्स इंडेक्स फॉलो करना है या नो फॉलो करना है। अगर आप इसको चाहते हो कि नो फॉलो हो तो आप नो फॉलो भी सेलेक्ट कर सकते हो। रिडायरेक्शन, आप कहीं और इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन रिडायरेक्ट दिस वन टू अनदर पेज, अनदर वेबसाइट, कहीं पे भी आप चाहते हो वो आप रिडायरेक्शन कर सकते हो। अभी एक्सक्लूड जो है हमारा फीड wp लॉगिन, यानी कि ये हमारे स्टार्ट रहेंगे, आप कोई बंदा लॉगिन करना चाहेगा तो आप लॉगिन कर सकते हो। नोटिस डैशबोर्ड लिंक्स जो भी हैं आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको सेव सेटिंग्स करता हूँ, और इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे और इसको जस्ट आप रिफ्रेश करेंगे आके, तो ये गाइज हमारी जो वेबसाइट है मेंटेनेंस मोड पे चली गई है। तो इस पर कुछ मैसेज लिख के आ रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आर वेबसाइट इज़ करेंटली अंडरगोइंग शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हो वो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो अभी ये नॉर्मल था, अभी हम चाहते थोड़ा सा डिज़ाइन मोड पे जाना, तो अभी डिज़ाइन मोड पे जाते गाइज, तो यहाँ पे आप इसका टाइटल जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, हेडिंग इसकी जो है अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे जो ये वाली हेडिंग भी आप दे सकते हो, यहाँ पे इसको कमिंग सून भी दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको कमिंग सून अगर देना चाहता हूँ तो अभी मैं इसको कमिंग सून बोलता हूँ। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सब हटा दे रहा हूँ, सिर्फ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बोलता हूँ, ठीक है, इतना मैं देखता हूँ। और इसका भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड की बात आती है, तो यहाँ पे कस्टम कलर यूज़ कर सकते हो, अपलोडेड बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, या फिर
प्री डिफाइंड बैकग्राउंड कुछ दिए होंगे आपको, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे कि भाई ये वाला जो है वो बेस्ट है। तो अभी मैं इधर यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अभी इस सेटिंग्स को मैं सेव सेटिंग्स करता हूँ। ओके, अब सेव सेटिंग्स करने के बाद में जैसे सेव हो जाता है फिर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा आके। ओके, अभी मैं इधर आता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ आके कि यार कुछ चेंजेस हुए। तो अभी कमिंग सून, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और पीछे इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज भी लग चुकी है। तो ये देखिए, ये इतना रेडी हुआ। अभी थोड़ा सा आपको और सेटिंग्स करने होंगे। अब मॉड्यूल्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, अपने हिसाब से करो। तो आप बोल रहे हैं कि शो काउंटडाउन, आप काउंटडाउन जो है वो चाहते हैं, ये यानी टाइमर आप बोल सकते हो, काउंटडाउन चाहते हैं। यस, स्टार्ट डेट ये है। और आप कितने दिनों के लिए आप अपनी वेबसाइट को मेंटेनेंस के लिए डालना चाहते हो कि इसके बाद में स्टार्ट हो जाए। तो मैंने कहा कि 1 डे, 1 डे, 1 आवर और 20 मिनट्स, मैंने इतना बोल दिया कि इतने टाइम टाइम के लिए। इसका कलर जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने बोला कि भाई इसका कलर जो वाइट ले सकते हो आप, ब्लैक ले सकते हो, जो बेस्ट आपको लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि कोई बंदा इसको सब्सक्राइब कर ले, यानी कि अपनी ईमेल से इसको सब्सक्राइब कर ले, देन वो भी आप कर सकते हो। बट मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी सब्सक्राइब नहीं कराना है हमें। तो नोटिफाई चाहते हो, मैं आपको चेक करके एक बार दिखाई दे रहा हूँ। तो यस पे आप करेंगे तो आपको इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स है, आप देना चाहते हो सोशल नेटवर्क्स, तो यहाँ पे यस कर दो। लिंक्स, टारगेट, न्यू पेज, सेम पेज, सेम पेज पे चाहते हो, यानी कि हम लोग वहाँ पे देते थे टारगेट ना, स्लैश ब्लैंक, स्लैश सेल्फ। तो उस तरीके से आपको अगर देना है कि यार नेक्स्ट टैब पे ओपन हो जाके या फिर उसी टैब पे ओपन हो, तो ये आपको यहाँ पे चूज़ करना है। और यहाँ पे आपको सोशल आइकन्स दे देने। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिंपली इतना करता हूँ कि अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी गूगल एनालिटिक वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे इसको एंड करता हूँ। तो अभी देखिए ये काफ़ी अच्छा हो गया है, टाइमर भी आपका रेडी हो गया है नोटिफाई में, और ये काफ़ी चीज़ें लग चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब भी करवाए ले रहा है। और आप कहोगे कि भैया यहाँ पे सोशल आइकन्स क्यों नहीं है, तो उसका एक रीज़न ये है कि सोशल आइकन्स में मैंने कोई सोशल आइकन दिया ही नहीं। तो मैं सिंपली यार दिए दे रहा हूँ, आपको तसल्ली मिल जाए, ताकि मैं फेसबुक को और जस्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके मैं फेसबुक पे डालता हूँ। यस, इसका लिंक डाल दिया और ट्विटर भी दे। तो एक दो मैं आपको चेक करके दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि यार हाँ ये वर्क करेगा। ट्विटर हो गया और गूगल प्लस भी मैं करता हूँ यहाँ से। ओके, गूगल प्लस मैं यहाँ से, यस अभी इधर आया मैं, और गूगल प्लस अभी गूगल प्लस करता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसका लिंक भी मैं यहाँ पे आके पेस्ट करा देता हूँ। गूगल प्लस किधर है भाई, ये हमारा गूगल प्लस। तो अभी 3-4 मैंने ऐसे कर दिए और उसको सेव करके देख ले रहा हूँ, और सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी शो करेगी, ये वाली ईमेल अगर आप चाहोगे तो। यस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आगे। सो 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 तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे थोड़ा सा आपके आइकन्स भी शो हो रहे हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड मेरा थोड़ा अजीब है, तो अब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, आइकन्स आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे करके हम इसको मेंटेनेंस मोड पे डाल सकते हैं। अब हमें इसको मान लीजिए रोकना है कि भाई अब रुक जा, मेरे को नहीं चाहिए अभी मेंटेनेंस मोड। तो यहाँ पे आएंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, डीएक्टिवेटेड करेंगे और जस्ट इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट पहले मैं ले लेता हूँ, भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। और जस्ट ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डेस्कटॉप पे इसको सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखना ये मेंटेनेंस से हट जाएगी। तो अभी मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो भाई इस तरीके से अपनी वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका था और काफ़ी अच्छा था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर